मैं राजस्थान में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ में, और मेरा पापा दारू का काम करता था बेचने का, और मैं भी उसमें शामिल थी। मैं भी बेचती थी, मेरे अपने पापा के साथ मदद करती थी। और एक दिन हम लोग को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद से हम लोग ने वो दारू बेचना बंद कर दिया। हम चार बहनें और चार भाई हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, हम फटे फूटे कपड़े पहनते थे और हमारे पास कुछ खाने को नहीं थे। मेरे भाई बहन कचरे में से उठा उठा के खाते थे। तो हमारे जो बाजू वाले अमीर लोग रहते थे उनके पास से हमने दो आटे का बोरा लिया था हम लोगों ने उनसे उधार में, लेकिन हम लोग वो लोगों का राशन नहीं दे पाए तो वो लोगों ने ना हमारा घर जला दिया, और उसके बाद मेरे पाप का हाथ भी काट दिया वो लोगों ने, पत्थर फेंक के मेरी माँ का ऐसा इधर घुटना वो तोड़ दिया, और बदले में हमारी एक बहन भी ले ली वो लोगों ने। फिर हम बनाए झोपड़पट्टी में रहते थे। फिर उसके बाद मेरी माँ ने सोचा कि अबे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको बेच देते, तो मुझे बेच दिया मेरी माँ ने। राजस्थान से आके ग्वालियर बदनापुरा में मुझे बेचा। इतनी छोटी थी होगी मेरी उस टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछी मेरी माँ को, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? तो मम्मी ने बोला हम पिकनिक जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैं उस टाइम पे बहुत खुशी हो गई, पर लेके आए मम्मी तो मुझे एक औरत के हाथ में बेचा था, तो बहुत कम पैसा दे के मुझे बेच के चले गए वो लोग गाँव से। उसके बाद फिर मुझे मुंबई लेके आए, और वो लोग बाद में मुझे पालने लगे, पोसने लगे, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद मुझे वो लोगों ने गलत लाइन में डाल दिया था, रेड लाइन में डाल दिया था। वो सौतेली माँ है मेरी जिसको मैं माँ बोलती है, वो बोलती मुझे चल तू मेकअप कर जल्दी से, और मुझे पता भी नहीं मेकअप क्या होता है करने के लिए। तो मुझे मेकअप के लिए रेडी किया, उसके बाद मैं मेकअप की, फेयर लवली लगाया, लिपस्टिक लगाया। उसके बाद मुझे लेके गए एक लड़की के उसके रूम में। बाद में फिर इतना बड़ा लड़का और मैं इतनी छोटी लड़की, बाद में उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। छी मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगी आपके साथ। तो बोलते पैसा क्या मैंने फोकट में दिया क्या, ऐसा करके बोलते। बाद में उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, फिर बाद में पूरा खून खून मेरा आजू बाजू पूरा मेरा बैड ये सब भीग गया खून से। उसके बाद इतना अजीब किया मेरे साथ वो लड़के ने। फिर बाद में वो लड़का बोलता है नहीं इस लड़की ने मुझे खुश नहीं किया, ऐसा करके। बाद में मेरी माँ जाके मुझे फैन पे नंगा लटका के मुझे जो पानी का पाइप रहता उससे मुझे मारा है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे रेड लाइन में डाल दिया साथ में। फिर कैसे भी लड़के आते थे, एचआईवी वाले, टीबी वाले, बुड्ढे, अमीर, पुलिस, फौजी सब आते थे। जितने भी लोग आते थे सब ने मेरे को यूज किया है। कोई कोई बोलता था तू ये नहीं देगी, तो मेरे को मार के जाते थे लड़के लोग, थप्पड़ मारते थे, क्या क्या मार मार के जाते थे। फिर नीचे शिकायत करते थे मुझे, कितने 15 रुपये में बिठाते थे कस्टमर को, 20 रुपये में बिठाते थे, इतने कम पैसे में मुझे बिठाते थे। मुझे बहुत अजीब लगता था लेकिन। और बाद में मैंने कस्टमर को अच्छा खुश नहीं किया तो मुझे वो लोग झाड़ू से मारते थे नंगा करके। मुझे बहुत अजीब अजीब तरीके से मारते थे वो लोग, कभी मुझे चिमटे का चटका देंगे, कभी मुझे कुछ और करे, कभी मिर्ची का भुक्की भरेंगे, कभी मुझे कुछ कुछ पाइप ये सब डाल, मतलब बहुत गंदा अजीब तरीके से करेंगे। उसकी भी एक बेटी है, वो खुद की बेटी को भी काम करवाती थी, लेकिन उसके पास वो अपनी बेटी को बहुत अच्छा खाना खिलाती है, मुझे कल परसों का खाना खिलाती है, बासा खाना खिलाती है, सड़ा खाना खिलाती है, और कभी कभी खाना नहीं देती तो मुझे गटर का खाना खिलाती है, कभी रोड का खाना, कभी कचरे का। और जब वो लोग खा लेते लास्ट में जो हड्डियाँ जो बची कुची रहती वो सब मैं उठा के खाती हूँ कचरे में से। और वो चीज में मैं कितने दिन सालों तक रही मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल की थी उस टाइम पे। बाद में मैं भागने की कोशिश की घर से, तो घर से भागने की कोशिश की एक छोटी बच्ची थी उस टाइम पे, उसने मुझे बोला प्लीज आंटी आप मुझे लेके चलो ना आपके साथ प्लीज आंटी। मैं बोली तुम मुझे छोड़ो तुम्हारी माँ क्या, तो बोलती मेरी माँ धंधा करती है अब मुझे बीच रोड पे छोड़ दिया है। तो मैं बोली मैं क्या कर सकती अभी, मैं भी वही जीवन से गुजर रही हूँ करके बोला। तो मैं भागी, वो लड़की को भी लेके मैं भागी। अभी गुंडे मेरे पीछे पड़े है, मैं ट्रक के नीचे वो बच्ची को लेके घुसी हूँ। मैंने उसको बोला आवाज मत करना, अगर आवाज करेगी तो हम दोनों मारे जाएंगे इस तलवार से। बाद में उसने आवाज नहीं की, मेरा हाथ थोड़ा ट्रक से बाहर था और उसने मेरे ऊपर पैर रख दिया और मेरे उंगली में से पूरा खून निकल रहा। मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे वजह से छोटी मासूम की जान जाए। मैं इसके बदले चलेगा, मैं मर गई तो चलेगा, लेकिन ये बच्ची बचना चाहिए कैसे भी करके। पर मैं पा नहीं पाई उस छुटका वो जिंदगी से, क्योंकि वो बहुत ही खराब जिंदगी थी मेरी। और जब पुलिस लोग की रेड गिरी एक दिन,
तो मैं वहाँ से छूट गई थी। पुलिस लोगों ने मुझे ताला तोड़ के मुझे बाहर निकाला। उसके बाद मैं यूकेन फेस में आ गई। यूकेन फेस में आने के बाद मेरा जीवन और भी बेहतर होता गया, बदलता गया और भी अच्छा। कभी कभी मन में भी लगता है कि लाइफ टाइम में तो मैं छूट तो गई, मैं छुटकारा तो पा गई हूँ, कि अभी आगे और मेरे साथ कौन देगा। तो बाद में इधर यूकेन फेस में आने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिल हल्का लगने लगा और अच्छा लगने लगा कि नहीं, मेरे साथ दीदी लोग हैं, मुझे वो लोग साथ देंगे। मुझे अभी पढ़ना है आगे और भी, मुझे अच्छी पढ़ाई चाहिए जो मैं लाइफ में पढ़ाई चाहती थी। यूकेन फेस में आने के बाद वो पूरे मेरे सपने में पूरे कर पाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 10वीं पढ़ाई भी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ। फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 10वीं फिर से दूंगी। मैं यहाँ पे सीख रही हूँ और मैं इंग्लिश भी मैं बात करती हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हूँ कि मैं किधर भी हूँ मैं इंग्लिश बोल देगी, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे को इंग्लिश बोलना, मेरे को इंग्लिश सीखना है। और मैं यूकेन फेस में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। बहुत इच्छा है मतलब इंग्लिश बोलने के लिए और लोगों के बीच में काम करने के लिए, ऑफिस में काम करना, अलग अलग जगह पर जाके। ये मेरा ड्रीम्स है कि मैं इसको अभी मैं पूरा करूँगी। और मुझे ज्वेलरी बनाना बहुत पसंद है और मैं यूकेन फेस में आके ज्वेलरी भी बनाना सीखी। आई लाइक ज्वेलरी मेकिंग टू एंड आई टीच ऑल गर्ल्स ऑल्सो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं ब्यूटी पार्लर जॉब करती हूँ और मेरा 6 महीने का कोर्स भी हो चुका है ब्यूटी पार्लर का सीख के। यूकेन फेस ने मुझे सब कुछ सिखाया है, इंग्लिश बोलना, लेटर लिखना, कंप्यूटर सिखाना, सब कुछ, मतलब ज्वेलरी बनाना भी, ये सब कुछ मैं यहाँ पे आके सीखी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब के लिए, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए था वो सब मेरा सपना मुझे वापस मिल गया।